नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसे आप देख रहे हैं ई e विद्या चैनल नंबर नाइन में और आपके साथ अगले आधे घंटे के इस सफर में मैं याशु गांधी आज हमारा जो विषय है वो है साइंस और ये हम आज लेकर आए हैं क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए और टॉपिक है हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड और आपको इसे विस्तार से समझाने के लिए जो विषय विशेषज्ञ के सब्जेक्ट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं आइए आपका भी उनसे परिचय करवा देते हैं जो खास मेहमान हमारे साथ हैं हमारे साथ हैं मधु मैम मिस मधु कौर जो कि पी जी फिजिक्स हैं डी पब्लिक स्कूल नरेला से मैम गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेलकम टू यू नमस्कार रेशू थैंक यू सो मच तो मैम से हम ह्यूमन आई और कलरफुल जितनी भी उसके जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो सब समझेंगे लेकिन उससे पहले एक ख़ास बात कि आप सभी के पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे अगर नहीं है तो लगातार स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं उसे पेन डाउन करें उसे सेव करें और सेशन के दौरान अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं इसके अलावा अगर हमारे इस या फिर किसी और कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो वो हमसे साझा कर सकते हैं ईमेल का पता लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है तो अब आ, आपके इंतजार को खत्म करते हैं आपके पास आपके नोट आपका पेन पेपर सब कुछ रेडी होगा तो बढ़ते हैं आगे देर किस बात की है मैम से समझते हैं कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड क्या है इसका कनेक्शन और क्या आप स्पेसिफिक लेकर आई है हमारे बच्चों के लिए मैं आप बिल्कुल बिल्कुल यशू लास्ट सेशन में हमने क्लास टेन का ह्यूमन आई के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था क्लास टेन हाँ जी और आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल डिस्कस द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्लिज एंड वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमना दैट इज स्टार्स एंड द ब्लू कलर ऑफ स्काई तो हम उन सभी का राज जो है खोलेंगे कि हमारा स्काई ब्लू क्यों नज़र आता है और स्टार्स ट्विंकल ट्विंकल क्यों करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ग्लास प्रिज्म में आपका कैसे लाइट का रिफ्रैक्शन होता है मैं सबसे पहले बच्चों को दिखाना चाहूँगी कि बच्चों ये हमारा ग्लास प्रिज्म है आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्लास प्रिज में दो ट्राइंगुलर सरफेसेस होती हैं टॉप पर एंड बॉटम पर एंड यू कैन सी दैट देर आर थ्री रेक्टेंगुलर सर्फेसेस एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्लास प्रिज आपने इससे पहले ग्लास स्लैब को भी देखा होगा और लाइट का रिफ्रैक्शन जो है आपने ग्लास स्लैब से अच्छे से पढ़ा होगा और आज हम देख रहे हैं कि जो ग्लास प्रिज्म है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि लाइट का रिफ्रैक्शन के लिए हम दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस को यूज कर रहे हैं एंड दीज रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस आर मेकिंग सर्टन एंगल बिटवीन द एम एंड दिस एंगल ए यू कैन सी दैट इट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द प्रिज्म नाउ इन दिस केस इन दिस प्रिज द एंगल इज ऑफ सिक्सटी डिग्री नाउ यू कैन सी दैट वी हैव टेकन हियर पी पी ई इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट and how it is refracted through the glass prism i am going to show this by using a laser and you can see that i make to fall the ray at one of the refracting surface of the prism and you can see पाथ और दिस side. यशु आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल मैम मैं, मैं भी uh, class की student yeah. बन गई uh -huh. आपके साथ और बिल्कुल ये properly visible uh -huh, है जी. कि लेफ्ट साइड से uh, जब हम इस, इस रेस को वो करते हैं uh -huh. तो किस तरीके से रिफ्लेक्ट so, हो रही है prism, prism से ये yeah, हो होते हुए uh, यहाँ इस सर्फेस पर ये एंटर कर रहे uh -huh. हैं और ये सेकेंड रिफ्रेक्टिंग सरफेस है यहाँ से ये रे जो है डविएट करते हुए इसका पाथ निकलेगा एक मिनट के लिए आप सोचिए कि अगर ये रे यहाँ यहाँ ग्लास प्रिज्म अगर हम नहीं रखें तो रे का पाथ क्या है दिस वुड बी द पाथ ऑफ दिस इंसिडेंट रे बट वॉट हैपन्स वेन वी प्लेस अ ग्लास प्रिज्म इन द पाथ ऑफ दिस इंसिडेंट रे दैन द प्रिज्म इट डेविएट्स द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे ओके अब मैं बच्चों को थोड़ा सा विस्तार से समझाती हूँ कि प्रिज्म के अंदर जो हमारी इंसिडेंट रे है वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शन में जाती हैं मैं डायग्राम में ही दिखाना चाहूँगी यहाँ देखिए ये पी क्यों हमारी इंसिडेंट रे है the point is the point of incidence at the refracting surface ab and since glass is more denser than air we know that according to the law of refraction the ray will bend towards the normal and you can see that the refracted ray within the glass prism it is making angle r with the normal now you can see that this refracted ray it again suffers another refraction at the refracting surface ac at this point the ray has to move from optically denser glass medium to optically rarer air medium so it will bend away from the normal and you can see that angle e it is the angle of emergence and the refract emergent rate is making angle with the normal at this point यहाँ हमें ग्लास प्रिज्म का देखना है कि ग्लास प्रिज्म ने ऐसे इंसिडेंट रे के पाथ में कितना चेंज किया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप ये देखिए जो हमारी इंसिडेंट रे है उसको डॉटेड लाइन से हमने आगे प्रोड्यूस किया है और एमरजेंट रे को हमने पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया है तो आप ये एंगल डी देख रहे हैं जो कि शेडेड हमने दिखाया गया है इतने एंगल डी से प्रिज्म ने इस इंसीडेंट रे को कम्प्लीटली डेविएट कर दिया है एंड दिस एंगल डी इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन तो ग्लास प्रिज्म में आपने ये देखा होगा अब आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इंसीडेंट रे विद इन द ग्लास प्रिज्म इट बेंड्स टूअर्स द बेस ऑफ द प्रिज्म द बेस इज बी सी इट बेंड्स टूअर्स द बेस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए सी इट Comes again uh, uh, it refracted away from the normal and again bends towards the base. Now coming to the next slide, prism ka ek orbi achha phenomena maya discuss karna chahungi that is the band of seven colours and which we know that that is the Vibgyor, Vibgyor, yeah. Acronym we use Vibgyor, and this is actually the spectrum of seven colours. यहाँ देखिए प्रिज्म का जब हमने बिहेवियर पढ़ा कि जो प्रिज्म का मीडियम है और रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस के बीच में जो एंगल बन रहा है इन दोनों वजह की वजह इन दोनों वजह से वट हैपन्स दैट वट एवर लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ ग्लास प्रिज्म इट सेपरेट्स आउट बिकॉज द मीडियम ऑफ द ग्लास प्रिज्म इट ऑफर्स डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेसेज फॉर डिफरेंट वेवलेंस और डिफरेंट कलर्स इससे जब वाइट लाइट की बीम आप देख रहे हैं कि जब ग्लास prism पर फॉल करती है तो इमीडिएट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर ही सभी कलर्स सभी कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट ये सेपरेट हो जाते हैं आप देख सकते हैं कि रेड कलर में बेंडिंग कंपैरेटिवली कम है और सबसे लास्ट कलर जो वॉयलेट कलर है इसमें बेंडिंग सबसे ज़्यादा है तो अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन की भी बात करूंगी तो आप ये देख सकते हैं कि रेड कलर में एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा एंड वॉलेट कलर में एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मोर अब आप अगर मैं इन सभी वेव्स जो हमारे कलर्स हैं या रेज़ हैं डेविटेड रेज हैं अगर यहाँ मैं एक स्क्रीन को यहाँ पर इंस्टॉल करूँ देन वी विल गेट अ ब्यूटिफुल बैंड ऑफ सेवन कलर्स विच इज़ कॉल्ड द स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट अच्छा ये भी हम देख सकते हैं प्रिज्म में कि आप यहाँ देखें बिल्कुल जो हमारा प्रिज्म ए बी सी हमने जो प्रिज्म यूज़ किया था उसके आइडेंटिकल एक और प्रिज्म हमने बिल्कुल इसके साथ में रखा है इन्वर्टेड तो ये जो वेब की ओर है जो बैंड है ये वापस रिफ्रैक्शन सफर करते हुए वी कैन अगेन गेट गेट द वाइट लाइट ऑन द स्क्रीन एंड दैट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द कलर्स नाउ आ, यशु इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमने प्रिज्म का जो है ये पता लगा लिया है कि प्रिज्म का बिहेवियर क्या है वाइट लाइट के लिए एक तो एक ये इंसिडेंट लाइट का पाथ डेविएट करता है दूसरा प्रिज्म का जो मीडियम है अगर प्रिज्म का मीडियम आपके एयर से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है डेंसर है तो ये वाइट लाइट को उसके सेपरेट कंपोनेंट्स में भी सेपरेट आउट कर देता है और हमें हाँ कलर्स नज़र आते हैं ये तो एक साइंस के सेटअप की बात हो गई लेकिन आप लोग इस फेनमोना को ये प्रिज्म का जो एक्शन है ये नेचुरली भी आप ऑब्जर्व करते होंगे और आपने बारिश के दिनों में आजकल बारिश का जो मौसम चला हुआ है तो कभी बारिश के बाद एकदम से सन लाइट आप आ जाए तो ये ऑब्जर्व करना कि सन आपके बैक साइड में होना चाहिए तो सामने ये प्रोबेबिलिटी है आपको सेमी सर्कुलर वे में आपको बैंड ऑफ सेवन कलर्स यानी कि इंद्रधनुष आप देख सकते हैं दैट इज रेनबो तो ये ये कैसे होता है तो बारिश के बाद ऐसा क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है जो स्मॉल uh, ड्रॉप्स होती हैं दे एक्ट लाइक स्मॉल प्लिस और उसमें लाइट जो है आप डायग्राम में देखिए जो सनलाइट एक ड्रॉप पर अगर गिरती है ये ये देखे सनलाइट रेन ड्रॉप पर गिरती है तो सबसे पहले यहाँ ये एक रिफ़्रैक्शन सफ़र करती है इट बेंड्स टूअर्ड्स दी नॉर्मल टोटली यहाँ पर इंटरनली ये रिफ़्लेक्ट होती है और फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन के साथ साथ फर्स्ट रिफ्रैक्शन के साथ साथ ये जो हमारी सनलाइट है ये अपने सेवन कलर्स में भी यहाँ पर सेपरेट आउट हो जाती है आफ्टर दैट इट सफर्स Total internal reflection within the raindrop, and it again suffers second refraction and we will get a band of seven colors in front of our eyes. लेकिन यहाँ पर हमारा condition क्या होना चाहिए कि जो sun है वो हमारे back, back side, में, back side में होना side, चाहिए। आपने देखा यशु कभी रेनबो बिल्कुल बहुत बार और बहुत ही प्यारा लगता है बहुत ही प्यारा लेकिन उसके पीछे बहुत सारी साइंस है साइंस <laughs> है प्रिज्म का जो हमने अभी अभी रिफ्रैक्शन पढ़ा है बस वही फिजिक्स यहाँ पर अप्लाई की जाती है अच्छा कभी गर्मियों में कभी छत पर रात को स्काई को ऑब्जर्व किया है बिल्कुल वो आ, वो बचपन की हमें पोयम याद आ गई ट्विंकल ट्विंकल क्लियर स्काई हो तो क्लियर स्काई हो <laughs> tga, तो आजकल अपने दिल्ली में और जो जितनी भी मेट्रोपोलिटन सिटीज है पोल्यूशन की वजह से ये आजकल हमारे बच्चे वो स्काई का नज़ारा नहीं देख पाते हैं जो कभी हमने बचपन में ऑब्ज़र्व किया था तो अगर क्लियर स्काई आप अभी भी हिल स्टेशन पर अगर बच्चों आप घूमने जाओ तो रात को ज़रूर स्काई को ऑब्जर्व करना और आप देखेंगे कि स्काई में बहुत सारे ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग आपको स्टार्स नजर आएंगे और अब हम जो पढ़ने वाले हैं कि वाट इज़ द रीज़न ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बच्चों देखिए आपने रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि लाइट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी और उसमें आपका ज़्यादातर आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो आपको जो कॉम्बिनेशंस हम लोग ही बताते हैं कि बेटा लाइट जो है एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रही है वाटर से ग्लास में ट्रैवल कर रही है लेकिन कभी हमने आपको ये बताया कि लाइट एयर से एयर में ट्रैवल कर रही है जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है यहाँ पर हमारा एटमोसफेयर जो है वही डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड हो जाता है जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज़ अलग अलग हो जाती है ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर जैसे सर्दियों के दिनों में या गर्मियों के दिनों में जो अगर मैं गर्मियों की बात करूँ समर सीजन की बात करूँ देन द लेयर विच विच इज़ क्लोज़ टू द सर्फेस अर्थ वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू द लेयर्स विच आर अबो द सर्फेस ऑफ अर्थ तो हमारा एटमोसफेयर यही डिवाइड हो जाता है डिफरेंट लेयर्स में एंड दे ऑफर्स डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज तो जब लाइट की रे जो स्टार लाइट रात को इन डिफरेंट ऑप्टिकल लेयर्स डेंसिटी वाली लेयर से जब ट्रेवल करके आएगी तो उसमें रिफ्रैक्शन होगा और आप डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ पर यू कैन सी इन द डाइग्राम कि जो स्टार से जो लाइट आ रही है ये आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंट शेड्स में मैंने यहाँ पर ये सर्कल्स uh, या सेमी सर्कल्स आपको ये uh, दिख रहा है पिक्चर ये हमने दिखाने की कोशिश की है कि ये लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की जिनका डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज़ हैं एंड दे ऑफर्स डिफरेंट रिफ्रेक्टिव इंडेसेज टू द रे ऑफ स्टार एंड यू कैन सी दैट द रे इट डबेंड्स from its initial path due to the refraction of the ray through the different uh, uh, atmospheric layers of different densities. तो so, आप यहाँ पर देखिए ये show कि जो ray है star light जो है ये कितने अपने पथ से deviate हो गई हैं हमारी eyes तक पहुँचते-पहुँचते और जिस डायरेक्शन में फाइनली जिस डायरेक्शन में रे हमारी hmm. आँखों में आती है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टिलिनियर पॉपोगेशन ऑफ लाइट जो हमारा ब्रेन जो है हमारा ब्रेन हमेशा ये इंटरप्रेट करता है कि जिस डायरेक्शन में लाइट हमारी आइज़ में फॉल कर रही है वो इनिशियल डायरेक्शन भी उसी को इंटरप्रेट करता है यानी हमारी आइज इंटरप्रेट करती हैं कि ये लाइट यहाँ से आई है और हमें स्टार जिस पोजीशन पर होता है उससे ऊपर नजर आता है ओके okay. राइट right? तो जो स्टार की अपरेंट पोजीशन है वो भी यहां पर चेंज हो जाती है ये तो हुई बात कि स्टार की पोजीशन चेंज हो जाती है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं दैट इज नॉट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार

इंटेंसिटी से आ रही है और अगर उस लाइट का भी कुछ फ्रैक्शन रिफ्रैक्ट होकर हमारी आइज तक नहीं पहुँचेगा तो यानी कि कुछ परसेंट ही लाइट हमारी आइज तक मिलती है अगले इंस्टेंट में क्या होता है एटमॉस्फेरिक वेरिएशंस होती रहती हैं स्टार की जो है अपरेंट पोजीशन चेंज हो जाती है पहले सेकंड में मुझे स्टार इस पोजीशन पर दिख रहा था अगले सेकंड में मुझे स्टार उस पोजीशन पर दिख रहा है ड्यू टू द वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ

फिर प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं देखिए प्लैनेट तो अपने ही सोलर सिस्टम में है ना अपने सन के सोलर सिस्टम में है और हम बात कर रहे हैं स्टार्स की तो हमसे स्टार देखिए सन हमारे सबसे करीबी स्टार है तो जिन जो स्टार हमें नजर आते हैं वो बहुत बहुत लाइटियर्स हमसे दूर है बहुत दूर है राइट right. तो लेकिन प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं तो वो इतने पास है कि हम उनको एज ए पॉइंट साइज्ड लाइट सोर्स नहीं मान सकते तो वहां से जो फ्रैक्शन ऑफ लाइट आता है वो इतना सफिशिएंट आ जाता है कि हमें उनकी पोजीशन चेंज नहीं नजर आती और प्लेनेट्स हमें कॉन्टीन्यूसली विजिबल रहते हैं और वो ट्विंकल करते नजर नहीं, नहीं आते, आते।, आते। जनरली बच्चे पूछते हैं कि स्टार्स ट्विंकल करते तो प्लैनेट्स भी ट्विंकल करने चाहिए मान लीजिए हम जुपिटर को देखें टेलीस्कोप से या हम मार्स uh, को, को देखें देखे, हाँ. तो वहां हमें ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों नहीं नजर आता दैट इज ड्यू टू द साइज एंड डिस्टेंस ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अस राइट रिफ्रैक्शन वहां भी होता है रिफ्रैक्शन वहां भी होता है बट डिपेंड्स कि अपरेंट पोजिशन कितना चेंज हुआ है एंड हाउ मच लाइट इज एंट्रिंग टू दिन टू आवर आइज आइज करेक्ट सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एक और आपको मज़ेदार बात बताते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेट सनसेट कितनी बार हम पूछते हैं आज सनराइज कितने बजे होगा सनसेट कितने बजे होगा लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल सनराइज से दो मिनट पहले हमें सन दिखने लग जाता है और एक्चुअल सनसेट से दो मिनट बाद तक हमें सन दिखता रहता है डू टू एटमोसफियर रिफ्रैक्शन दैट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन जी तो यहाँ इसका भी मैं आप बच्चों को ये मैं रीजन समझाना चाहूंगी कि जो आप देखिए अर्थ के चारों तरफ हमारा एटमोस्फेयर है और होराइजन पर आप देखिए अभी जो एक्चुअल पोजिशन है सन की वो होराइजन होराइजन से बिलो है बट द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन एट दिस मोमेंट

लेकिन ये जो रेंज है जो जो डेप्थ है होराइजन से वो ड्यू टू लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर या या दैट इज दैट इज़ ड्यू टू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर्स एंड दे आर हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज़ तो हमें सन जो है वो सनराइज से दो मिनट पहले ही विजिबल हो जाता है और यही कॉज होता है कि सनसेट हो चुका होता है इवनिंग के टाइम पर सनसेट हो चुका है लेकिन फिर भी सन हमें दो मिनट बाद तक विजिबल रहेगा ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमॉस्फेरिक लेयर्स कमिंग टू द नेक्स्ट ब्यूटिफुल फेनोमेना दैट इज कॉल्ड द स्केटरिंग ऑफ लाइट स्केटरिंग ऑफ लाइट ये आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से थोड़ा सा इनके स्पेशल केसेज ही हम इनको कह सकते हैं द स्केटरिंग ऑफ लाइट इट इज द फेनोमिना बाय विच बीम ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑन इंटर इंटरक्टिंग विद द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मीडियम यानी एक बात यहाँ से क्लियर है बच्चों की स्केटरिंग जो लाइट की होगी वो वही होगी जहां पर मीडियम होगा जहां मीडियम नहीं होगा वहां पर स्कैटरिंग नहीं होगी कभी आपने देखा है कि जो रात को हमें मून पर ही लाइट नज़र नज़र आती नज़र आती इन बिटवीन लाइट लाइट नहीं ये डिपेंड करता है कि जो फॉल कर रही है उसके रास्ते में जो मीडियम आ रहा है उस मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में होना चाहिए मैं जल्दी से आपको हाँ। एक स्कैटरिंग इफेक्ट शो करना चाहूंगी यहाँ पर हाँ हाँ मैं, मैं जल्दी से से को बिल्कुल बिल्कुल ये देखिए बेटा मैंने यहाँ पर क्लियर वाटर लिया है और इसमें से जब मैं लेजर लाइट को रेड लाइट को पास करती हूँ तो हमें यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता हमें हल्का सा बस पात नज़र आता है लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा कोलाइडल बना दूँगी तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि यू कैन सी द स्केटरिंग ऑफ लाइट आप यहाँ देखिए मैं ऐसे दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा नजर आएगा ये रेड कलर जो है वो हर तरफ जो तो है फैल आगे चुका करें। है थोड़ा सा हाँ, 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 करेंगे तो बेहतर होगी। अब अब ये रेड कलर इसमें हर तरफ फैल चुका रिफ्लेक्ट है।, हो रहा है हाँ स्केटर हो रहा है स्केटर हो रहा है। और इसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हमारे स्काई का जो कलर है वो ब्लू कलर क्यों होता है क्योंकि व्हाइट लाइट में ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्केटर होता है तो क्योंकि स्काई हमसे ऊपर है एटमॉस्फेयर की वजह से जो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइट लाइट सन लाइट में सबसे ज़्यादा ब्लू कलर को रिफ्रैक्ट स्कैटर करते हैं और इसलिए हमें चारों तरफ ब्लू कलर नज़र आता है और इसका वजह ये है कि रेड लाइट जो है वो कम स्केटर करती है तो इसलिए जितने भी डेंजर वाले सिग्नल होते हैं वो रेड कलर्स के होते हैं हाँ और हालांकि रेड कलर मैम ने भी पहना है पर वो डेंजर नहीं है बहुत ही अच्छे से मैम ने बताया और समझाया आई एम श्योर कि हमारे क्लास टेंथ के स्टूडेंट को ये पूरा लाइट का फिनोमेना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ऐसे इतने अच्छा प्रैक्टिकल मैम ने करके दिखाया आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं और खुद से समझ सकते हैं क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग तो ऑलवेज uh, ऑलवेज इसका प्रोविजन इट इज़ अप्रिशिएबल एक्चुअली मैम थैंक यू सो मच समय की कमी है वरना कुछ और प्रैक्टिकल के uh, जरिए समझते uh, लेकिन अभी आपने समय निकाला हमारे बच्चों को इतना डिटेल और इतना सिंपलीफाई करके समझाया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच और इसी के साथ अभी के लिए तो इस सेशन में इतना ही लेकिन ई विद्या के हमारे हर एक चैनल पे जो कार्यक्रम है वो आप बाद में एन सी ऑफिशियल पर भी देख सकते हैं इसके अलावा चाहे सुबह आठ बजे का योगा का, का कार्यक्रम हो या फिर हमारे साढ़े बारह बजे का बारह से साढ़े बारह का जो समय है वो लाइव इंट्रक्शन का जो सेशन है टीचिंग लर्निंग इंटरवेशन का वो या फिर हमारे दिन भर के कार्यक्रम और शाम को पाँच बजे का सहयोग सेशन आपको कार्यक्रम लगातार देख सकते हैं ई e विद्या के अलग अलग चैनल्स पर इसके साथ एन सी यूट्यूब ऑफिशियल पर भी तो अभी के लिए इतना ही अपना बहुत ख्याल रखिए और प्रसन्न रहिए नमस्कार